नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 या आपकी गणित विषय का कालांश। एक बार मैं आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ गणित विषय के कालांश में। आज हम प्रश्नावली जो प्रथम कर रहे हैं अपनी संख्याओं की जानकारी, आज हम जानेंगे व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्याएं। ठीक है विद्यार्थियों, व्यवहारिक रूप में या फिर व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्याओं की महत्ता। देखो इसके अंदर क्या है कि जैसे कुछ छोटी चीज़ें हैं और कुछ बड़ी चीज़ें। आप ये मान के चलो कि आपके हाथ में अभी एक पेन है, तो उस पेन की मोटाई क्या होगी या लंबाई उस पेन की कम होती है ना। अगर आपके पास कोई एक बहुत बड़ा लोहे का या फिर सीमेंट बजरी से जो बने हुए खंभे हैं, उस खंभे के पास आप खड़े हो, तो क्या आपके हाथ में जो पेन है, पेन देखो पेन कैसा होगा, छोटा सा होगा पेन। ये हमने एक पेन बना दिया कि ये पेन है, ठीक है, और उसके पास ये एक खंभा है। क्या दोनों में क्या अंतर है? पेन लंबाई में खंभे की तुलना में क्या है? पेन होगा छोटा और खंभा होगा बड़ा, ठीक है। तो जो छोटी इकाइयां हैं, यानी जैसे पेन है, पेंसिल है, घर में और छोटी छोटी चीज़ें होती है, और कुछ होती है बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे ये खंभा हो गया, टावर हो गए, है ना, और भी बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें। तो बड़ी चीज़ों को नापने के लिए बड़ी इकाई का उपयोग किया जाएगा और छोटी चीज़ों को नापने के लिए छोटी इकाई का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम बात करें, देखो बहुत छोटी सी सिंपल सी बात है कि बड़ी चीज़ें कौन कौन सी है और छोटी चीज़ें कौन कौन सी है। अगर बड़ी इकाई की मैं बात करूं तो बच्चों वो होती है किलोमीटर, ठीक है, किलोग्राम, ठीक है ना। ये दो बड़ी इकाइयों के उदाहरण है। अब मैं छोटी इकाइयों के अगर उदाहरण दूं, छोटी इकाइयों के उदाहरण हैं, उसमें क्या होगा, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, और भी इसके अंदर एक और इकाई आ जाएगी, उसको हम बोलेंगे मिलीमीटर, ठीक है। अब मैं अगर दूसरा, ये जो किलोग्राम वाली जो इकाई थी, इसका अगर मैं बात करूं, इससे संबंधित उदाहरण आप देखिए, किलोग्राम से संबंधित अगर मैं छोटी इकाइयों की बात करूं तो क्या होगा, ग्राम और मिलीग्राम, है ना विद्यार्थियों। तो अब ये चीज़ें आपको डेली लाइफ में आपने इन चीज़ों को जाना होगा। अब मैं डेली लाइफ से रिलेटेड एक उदाहरण देता हूं आपको, इसका आप समझना इस चीज़ को। आप जब एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करते हैं, कहीं भी आप यात्रा कर रहे हो, या आपने क्या किया, अपने मोबाइल में गूगल मैप खोल लिया, ठीक है, और गूगल मैप में आप देख रहे हो हमारे, जैसे मैं देखता हूँ कि सूरतगढ़ से दिल्ली, ठीक है विद्यार्थियों। तो सूरतगढ़ से दिल्ली मानो आपने देखा। अब कोई दूसरा विद्यार्थी देख रहा है कि सूरतगढ़ से अमृतसर, उसने देखा तो उसको ये दूरी पता लगी कि भाई ये दूरी तो 435 किलोमीटर है, सूरतगढ़ से अमृतसर की दूरी। उसने गूगल मैप पे देखा तो उसको ये दूरी पता लग गई। अब और क्या है, अब आप देखो कि अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ, मान लो अभी मैं सूरतगढ़ के अंदर बैठा हुआ हूँ, तो मैं ये मान के चलो कि मैं कोई भी स्थान, जैसे मैं राजकीय महाविद्यालय, मैं राजकीय महाविद्यालय के पास बैठा हुआ हूँ और मैं यहाँ से देख रहा हूँ नवीन आदर्श विद्या मंदिर। जब मैं इन दो स्थानों को गूगल मैप पे देख रहा हूँ तो मुझे गूगल मैप बोलेगा कि भाई इन दोनों के बीच में तो सिर्फ इतनी सी दूरी है, 800 मीटर, ठीक है। तो दो बातें हुई है, समझना इस चीज़ को।
कैसे चले गए, इसको मैं साफ़ कर रहा हूँ। और फिर मैं एक चीज़ और देखता हूँ, अब मैं मान लो मैं हाँ भारत माता चौक पर हूँ, ठीक है, अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ, भारत माता चौक पे खड़ा हूँ, और यहाँ से मैं गूगल मैप पे दूरी देख रहा हूँ किसकी, अपने नवीन आदर्श विद्या मंदिर की। तो मुझे भी गूगल मैप बोलेगा कि ये दूरी 100 मीटर से कम है ना, इतनी तो दूरी है। तो देखो अगर चीज़ें दूर दूर है तो उनके लिए हम बड़ी इकाइयों का उपयोग करेंगे, और चीज़ें अगर छोटी छोटी है तो उनके लिए हम छोटी इकाइयों का प्रयोग करेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। ये तो था दूरी से संबंधित सारी की सारी बात। अब हम भार भार से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं, और वो अध्ययन देखिए आप कैसा रहेगा हमारा। ये हम ये कलर ले लेते हैं और इस कलर से हम जानेंगे। मान लो कि आप घर पे गेहूं का आटा पिसवाना है, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है ना जीवन यापन के लिए, जीने के लिए, खाना खाने के लिए। तो गेहूं से क्या पिसवाओगे, आटा पिसवाओगे, तो आपको ये तो है नहीं कि 1 केजी या फिर 1 किलो गेहूं लेके चले गए आटा चक्की पे कि भाई इसको पीस दो, तो वो नहीं पीस के देगा, वो बोलेगा नहीं ये इतना कम है ये नहीं हो पाएगा। तो आप मान के चलो कि आप उसको 20 केजी, 50 केजी या आप 1 क्विंटल यानी 100 केजी आप वहाँ से पिसवाओगे, ठीक है। अब आप मान लो और भी बहुत सारे सामान ऐसे हैं, ये मैंने एक सिर्फ उदाहरण लिया है, गेहूँ का एक उदाहरण लिया है ना। मान लो कोई खेतीबाड़ी करने वाले किसान परिवार हैं, है ना, हमारे बहुत सारे भैया बहनों के पिताजी भी खेती करते होंगे, किसान परिवार से वो लोग बिलोंग करते हैं, तो उनको पता है कि जब खेत में जो भी उनकी फसल होती है, जब उनको वो धान मंडी में बेचने के लिए जाते हैं तो वो हजारों किलो के अंदर होती है, तो उसको हम क्विंटल के अंदर यानी 1000 केजी क्विंटल क्विंटलों के अंदर वो चीज़ बिकती है। तो ये भार की एक बड़ी इकाई है, ठीक है विद्यार्थियों, समझते रहना आप इस चीज़ को। मैं आपको डेली लाइफ से जो आपके घरों में जो चीज़ें हो रही है उसी से ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं दूसरी चीज़ पे। देखो तीन प्रकार के हमारे पास डॉक्टरी सेवाएं जो देने वाले हैं ना, सेहत से संबंधित सेवाएं देने वाले लोग होते हैं। एक उसमें से सबसे जो अच्छी चीज़ है वो है आयुर्वेदिक दवाइयाँ, ठीक है। अब भाई सब ने आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाई होगी, है ना, ये क्या होती है, पाउडर फॉर्म में आती है, इसका क्या होता है, कुछ चूर्ण होता है या कुछ क्या होती है दवाई या फिर गोली, इस फॉर्म के अंदर आपको ये दवाइयाँ मिलती है। तो अब ये बताओ कि आपको मान लो देसी दवाई कहीं से लानी पड़ी, आपके घर में कोई देसी दवाई ले रहा है, तो क्या वो उस दवाई को किलोग्राम में लेगा, क्या वो उस दवाई को 1 किलो खाएगा, क्या नहीं खाएगा ना। तो वो जो दवाई लेगा वो एक बिल्कुल, सपोज करो मान लो कि एक छोटी सी पुड़िया में वो दवाई है, जब उसको तुम डिजिटल कांटे पर उसको रख के उसको तोलोगे, उसका वेट करोगे, तो आपको पता लगेगा कि वो पुड़िया मुश्किल से 5 ग्राम, 2 से 5 ग्राम की है, 2 से 5 ग्राम भी कई बार ज़्यादा हो जाता है, छोटी चीज़ें भी होती हैं, है ना। तो ये छोटी इकाइयों को नापने की चीज़ है, ठीक है। छोटे जो बिल्कुल छोटे छोटे जो भार होते हैं ना, उनको हम ग्राम में या फिर मिलीग्राम में नापते हैं। और इसी तरह से क्या होता है, एक होता है लीटर, फिर होता है आपका मिलीलीटर, है ना। तो ये दोनों भी क्या हो गया, ये लिक्विड यानी द्रव्य जो है, द्रव्य जो पदार्थ है यानी पानी हो गया, दूध हो गया, ना कुछ भी हो सकता है, वो लीटर के अंदर हम उनको नापा करते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये इतनी सारी बातें हमने करी, आगे मैं कुछ चीज़ें आपको और बताता हूँ। जैसे दो इकाइयों को अगर हम बात करें तो सबसे छोटी जो इकाई थी वो हमारे पास थी, देखिए मैं लिखता हूँ 10 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, है ना।
ये हमें याद रखना है। और एक मीटर बराबर क्या होता है, एक मीटर बराबर होता है 100 सेमी यानी सेंटीमीटर, समझ गए। या फिर मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर को लिखते हैं ऐसे अपने, ठीक है विद्यार्थियों। अब मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। ये हमने किलोमीटर को मीटर में बदल दिया, और आप किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल सकते हो, किलोमीटर को मिलीमीटर में भी बदल सकते हो, तो ये बदलने की इकाइयां हैं। इसी प्रकार से हम लीटर को भी बदल सकते हैं और भार को भी बदल सकते हैं। देखो लीटर के लिए क्या रहेगा, भार को बदलते हैं तो देखो क्या होगा, 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक है। तो या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम, या इसको हम क्या लिखते हैं, mg मिलीग्राम, ठीक है विद्यार्थियों। और आज के क्लास की लास्ट और अंतिम बात अभी हम करते हैं, और वो बात है इकाइयों को बदलने वाली। तो हम क्या लिखेंगे, 1 लीटर बराबर 1000 मिली लीटर, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये कुछ बड़ी इकाइयाँ थी, व्यवहारिक प्रयोग में आने वाली बड़ी संख्याएं, उसके बारे में हमने जाना। अब हम चलेंगे गृह कार्य की तरफ, और गृह कार्य में आपको मिलने वाला है कुछ गृह कार्य। देखिए क्या मैं आपको बताता हूँ, आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर कितना, 13, उस पर एक बॉक्स बना हुआ है, प्रयास कीजिए, ठीक है विद्यार्थियों। आपको पेज नंबर 13 पर एक बॉक्स मिलेगा, प्रयास कीजिए, उसमें सबसे पहले लिखा हुआ है सेंटीमीटर वाला, और फिर बॉक्स नंबर ये है 1, और फिर एक और बॉक्स मिलेगा, उस पर भी आपको लिखा हुआ है प्रयास कीजिए। तो वो दोनों बॉक्स आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो आपको होमवर्क मिल गया, पेज नंबर 13 पर जो दोनों प्रयास कीजिए वाले बुक्स हैं वो आपको करने हैं, और बाकी आगे हम प्रश्नावली 1.2 करेंगे हमारी अगली क्लास में, ठीक है।